सब्सक्राइब कीजिए टेक यूट्यूब विनोद चैनल्स को, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, ये सीएससी जो होता है कॉमन सर्विस सेंटर, इसका ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, नंबर लेने के लिए जो है हम आपको प्रोसेस बताएंगे और इस प्रोसेस के द्वारा आप बेहतर तरीका से कम समय में आप अपना सीएससी सेंटर खोल सकते हैं और लाइसेंस भी ले सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपको पैन कार्ड बनाने में सहूलियत होता है, ख़ास करके पैन कार्ड में ज़्यादातर जो है सहूलियत होता है। अगर वेबसाइट के द्वारा आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा परेशानी होता है, और उस पेपर का जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा जब भेजते हैं तो उसमें पैसा भी, खर्च भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप सीएससी अप्लाई करें ताकि आपको कम समय में जो सीएससी का आईडी मिल सके। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस के साथ बताऊंगा। टेक यूट्यूब नोड, इंडिया नंबर वन चैनल। तो आइए चलते हैं वो प्रोसेस की ओर जहां पर हम देखेंगे कि सीएससी का जो अप्लाई किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ये अप्लाई करने के लिए आपको गूगल क्रोम में या गूगल में आपको सर्च करना होगा। मैं चले जाता हूँ गूगल क्रोम में, और ये गूगल क्रोम में मैं खोल लिया और यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। देखिए, सीएससी का जो अप्लाई करते हैं तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका आईडी आने में बहुत समय भी लगता है, लेकिन डिजिटल इंडिया पोर्टल एक नाम का एक ऐसा पोर्टल है जिसका जो आईडी आपको 4 से 5 दिन के अंदर में मिल जाता है, उससे कम समय में मिल जाता है। और डिजिटल इंडिया पोर्टल मैं यूज करता हूँ और इसमें बहुत अच्छा फैसिलिटी है, ख़ास करके पैन कार्ड के लिए जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल वेबसाइट बहुत अच्छा वर्क करता है। और इस पर जो है आप किसी भी तरह के पैन कार्ड को बना सकते हैं, तो उसका आईडी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और सीएससी का आईडी मिलने में महीनों लग जाते हैं, जल्दी नहीं मिल पाते हैं सीएससी का। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये डिजिटल इंडिया पोर्टल या फिर सीएससी का अप्लाई अगर करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है उसमें कुछ पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगा। डिजिटल आईएनडी इंडिया पोर्टल PORTAL, आपको इस तरह से अपने गूगल क्रोम में डिजिटल इंडिया पोर्टल लिख करके इसे सर्च कर देना है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जैसे ही ये सर्च होगा आपको सबसे फर्स्ट में देख लीजिए ये लिंक आ जाएगा डिजिटल इंडिया पोर्टल का। और आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ देख लीजिए नीचे में भी digitalindiaportal.co.in है, आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। डिजिटल इंडिया पोर्टल का जो पेज है वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर आप देख लीजिए अब न्यू पैन कार्ड बनाए जाएंगे सिर्फ 7 दिनों में। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 7 दिन का डेट दे रहा है, बल्कि अब जो मैं ये वीडियो आपको मैं दिखा दूँ किस डेट में बना रहा हूँ, 5 दिसंबर को बना रहा हूँ, और आज के डेट में पैन कार्ड जो है 4 दिन में इसका जो है मेल के द्वारा ई पैन कार्ड भेज दिया जाता है। 4 दिन में, मैं बता रहा हूँ 3 से 4 दिन में ई पैन कार्ड भेज दे रहा है, और बन करके जो आता है उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, 10 से 15 रोज में जो घर पे भी चले आता है। तो अभी जो अगर इस पोर्टल के द्वारा आप करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर में जो है सो ये पैन कार्ड बना देता है। और आपको बता दें कि इसका सर्विसेज क्या है, सर्विसेज में देखिए इसका आधार सर्विस है, जीएसटी है, डिजिटल सिग्नेचर है, पेंशन योजना है, मनी ट्रांसफ़र है, IRCTC है, पासपोर्ट है, इलेक्ट्रिक बिल है, बैंकिंग है, ITR है, व्हीकल इंश्योरेंस है, जॉब पोर्टल है, ये सारे जो हैं इनके मतलब फीचर्स हैं। आप अगर डिजिटल इंडिया पोर्टल का अगर आप एड्रेस देखें तो और नंबर्स देखें तो इस तरह से एड्रेस और नंबर इसका मेल है। आप इसके द्वारा अगर आपको परेशानी होगा तो आप इसके द्वारा जो है इसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद
मैं आपको अब इतना सारा दिखाने के बाद आपको मैं बता दूं कि अगर इसको अगर अप्लाई करने के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे पहले इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का जो ज़रूरी पड़ता है वो इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट, दूसरा आपके पास बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा तो आपको पैन कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास एक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, पासबुक भी होना ज़रूरी है, उसके बाद पासबुक नहीं भी है तो कम से कम अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, उसके बाद पैन कार्ड ज़रूरी है, उसके बाद चेकबुक बहुत मस्ट ज़रूरी है क्योंकि चेकबुक का भी जीरोक्स लगता है, कैंसिल जीरोक्स नहीं, उसका फोटो खींच करके डालना पड़ता है, स्कैन कॉपी वो भी लगता है इसका अप्लाई करने वक्त। तो आई इसको अप्लाई कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा इसको डेस्कटॉप सेट कर देता हूँ तो आपको बेहतर रहेगा। मैं इसे डेस्कटॉप सेट कर दे रहा हूँ, अब ये डेस्कटॉप सेट हो गया है, अब आपको पूरा यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये खुल गया इस तरह से, अब यहाँ देख लीजिए, तो इसका जो मतलब कि आईडी लेने के लिए जो अप्लाई करते हैं वो कौन सी ऑप्शंस को चूज करते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, ये जो है फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन, सॉरी फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन जो है, इस फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा आपको फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन के लिए, ये पेज खुल गया, इसमें आपको सारा डिटेल भर देना है, ठीक है। भरने के बाद देखिए अब यहाँ क्या क्या मांग रहा है, सबसे फर्स्ट में आपको आधार कार्ड मांग रहा है, ये डिटेल भरने के बाद आप क्या मांग रहा है, ये कॉन्टैक्ट फाइनेंशियल फॉर्म विथ रजिस्टर्ड, ठीक है। इतना डिटेल भरने के बाद सबसे फर्स्ट में क्या नेम भर देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, सिटी डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, स्टेट देना है, कंट्री तो इंडिया ही रहेगा, रिटेलर शॉप का नाम, कौन सी दुकान आप चलाना चाह रहे हैं उस दुकान का नाम दीजिए, करेंट बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं तो कौन सा दुकान है, कोई स्टूडियो खोले हुए हैं या प्रिंटिंग प्रेस खोले हुए हैं या कोई दूसरा दुकान है, तो यहाँ पर उस तरह के बिजनेस को सिलेक्ट करके या अपना अपना यहाँ पर लिख देना है उस बिजनेस का नाम। मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट दिया है आधार कार्ड, यहाँ देना है 300 DPI में स्कैन करके, ठीक है। जब आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पर 300 DPI आपको जो है सेलेक्ट करके स्कैन करना है सारे डॉक्यूमेंट को, पैन कार्ड भी मांग रहा है, फोटोग्राफ मांग रहा है, सिग्नेचर मांग रहा है, इतना देने के बाद सबमिट कर देना है। अगर आपको अगर इस मतलब कि फॉर्म को भरने में या कोई तरह का दिक्कत होगा तो नीचे नीड असिस्टेंस विद दिस फॉर्म कॉल इतना इतना, यहाँ पे दो नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सबमिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बैंकिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो इसको डालने के बाद आपको ओनली फॉर बैंकिंग का मांगेगा अकाउंट नंबर और आपको चेकबुक का कैंसिल चेक का इसे कैंसिल कट कर देना है, चेकबुक रहता है चेकबुक को आप जो है किसी भी तरह से काट सकते हैं, क्रॉस काट के इस तरह से कर देना है, उसमें कैंसिल लिख देना है, CANC इस तरह से कैंसिल लिख देना है, उसके बाद उसको स्कैन करके फिर अपलोड कर देना है, तो वो भी ऑप्शन आएगा, इसको भरने के बाद वो ऑप्शन आएगा बैंकिंग का, वो डालने के बाद आपको ये तो हो गया एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में आपको इतना सारा ले रहा है, ये सारे एड्रेस प्रूफ में, फोटोग्राफ भी चाहिए सिग्नेचर भी चाहिए, इतना डालने के बाद जो है आपको ये फॉर्म जैसे ही भरा जाएगा आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, ठीक है। और आपको मेल भी आएगा, डिजिटल इंडिया पोर्टल का एक मेल आता है, जिस मेल पे आप यहाँ पे मेल आईडी फर्स्ट में जो डालेंगे ना ईमेल एड्रेस, इसी मेल पे आपको जो है एक मेल भी आएगा 3 से 4 दिन में, और उसमें जो है आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ लॉगिन कर रहे हैं ना, देखिए लॉगिन पर क्लिक किए तो मैं दिखा दे रहा हूँ वो क्या भेजता है, यहाँ पर वेंडर आईडी आपको DIP लिखा रहेगा, उसके बाद 4 या 6 अंक का नंबर भी दिया रहेगा, तो वो DIP नंबर यहाँ डाल देना है, पासवर्ड में यहाँ डाल देना है,
वो यूजर आईडी यानी पासवर्ड भेजता है, ठीक है। उस यूजर आईडी पासवर्ड को डालने के बाद जो है आप अपना जो ये आईडी बन जाएगा। आईडी अगर आप बना लेते हैं तो मैं आगे का वीडियो में आपको दिखाऊंगा फिर कि इस आईडी से पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको आईडी मिल जाएगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा, और अप्लाई करने में अगर कोई भी तरह का दिक्कत आएगा तो आप हमें भी कमेंट करके आप लिख सकते हैं किस तरह का आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है। और इसमें बहुत ही जल्द आपको जो है से आईडी मिल जाएगा आप, और आप पैन कार्ड बना सकते अपना एक सीएससी आईडी चला सकते हैं। मेन पैन कार्ड का होता है पैन कार्ड बनाने में, अगर वैसे आप किसी वेबसाइट से एनएचडीएल के वेबसाइट से अगर बनाते हैं तो उसे बनाने के बाद फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजने में 40-50 रुपये खर्च तो वो हो जाता है, और 107 रुपये आपको अकाउंट से ये कटाना पड़ता है। पैन कार्ड को तो लगभग 150 रुपये का खर्च तो वैसे हो जाता है। तो अगर इस आईडी से अगर बनाते हैं तो आपको मात्र 107 रुपये कटेंगे और बाद बाकी जो भी है वो तो खुद अपना है। तो इस तरह से इससे आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजेबल होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल्स पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इस पर पैन कार्ड बनाया कैसे जाता है मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा और नया वीडियो लेके आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वो वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। टेक यूट्यूब नोड, इंडिया नंबर वन चैनल।